दोस्तों, मेरा नाम तनिष्का है। आज से समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि हम कुछ मजेदार रेसिपीज करें। तो हम मोजिटो और चटपटे चूरमा बनाने वाले हैं। चटपटे चूरमा के इंग्रेडिएंट्स ऑनियन चॉप्ड और कुकुम्बर चॉप्ड, एक पीस का लेमन जूस और पीनट्स का हाफ बाउल, कैरेट ग्रेटेड बाउल और चाट मसाला। और टेस्ट के लिए मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है और सेव, पुदीना, धनिया और इमली का सॉस। आप कुछ भी ले सकते हैं डेकोरेशन के लिए। अगर डेकोरेशन का लास्ट में लगाते अच्छा दिखेगा, तो मैंने ये चीजें ली है। और ये है मुरमुरे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले पीनट्स लो और इसमें डाल दो। बाद में सब अपने वेजिटेबल्स डालो। बाद में ऑनियन, फिर कुकुम्बर फिर लास्ट में हाफ से भी जा थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। अगर ज्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हो गया। अब इसमें प्लेट में डाल। तो हमें अपनी चटपटी चूरमा को एक प्लेट में डाल देना है। और उसमें थोड़ा लेमन पीस का जूस और चाट मसाला। और इसे मिक्स करने के बाद यहां से सेव डालना है। और ऊपर से धनिया बच्चों को भी ये बनाना आसान होगा और बड़ों को और आसान है, क्योंकि ये फ्लेमलेस कुकिंग है। तो बन गया हमारा डिलीशियस यम्मी टेस्टी चटपटे चुरमुरा। और अब मुझे तो बाकी है, तो उसमें चलते हैं। अब मोजिटो का टाइम आ गया बनाने को। तो हमें 2 ग्लास का वाटर चाहिए और एक मिक्सिंग बाउल। तो 2 ग्लास का वाटर इसमें डाल दो। अब इसमें पाउडर शुगर डालो। अगर शुगर आपने नॉर्मली डाल दिया तो उसको मिक्स करने में बहुत देर लगेगा, तो पाउडर बनाने के बाद डालने को बहुत इजी हो जाएगा। तो इसे मिक्स करते हैं। हो गया। मिक्सिंग के बाद
चम्मच का नींबू पानी डाल दो। तीन से ज्यादा होगा तो उसका टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। हो गया। अब तुलसी से मोजिटो इसमें थोड़ा नींबू पानी डाल दो। सिर्फ तीन चम्मच। बाद में इसमें पुदीना डालो, सिर्फ दो। अब हो गया। इसमें ग्लास में डाल लो। तो मोजिटो को आधा घंटा फ्रिज में रखकर पीना है। बहुत ठंडा ठंडा टेस्टी होगा। तो मैंने फ्रिज में रखकर आधा घंटा निकाल लिया है। तो देखो ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप ट्राई कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है क्लब हाउस एक्टिविटी को हीर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।